तीनों फॉर्मेट से निकाला गया। बीसीसीआई ने छीना कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले, फिर 188 के स्ट्राइक रेट से पिटाई कर बैटर ने दिया जवाब। दोस्तों आप भी पूरी खबर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन से उतरने से पहले कई खिलाड़ियों के लिए टीम इंडिया के रास्ते बंद माने जा रहे थे। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह का करियर खत्म ही माना जा रहा था। वनडे टी20 और टेस्ट टीमों की फॉर्मेट की टीम में जगह बनाने के लिए तरस रहे थे ये खिलाड़ी। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के सालाना करार से भी बाहर कर दिया। आईपीएल में फ्रेंचाइजी टीम ने भरोसा जताया और इस धुरंधर ने निराश नहीं किया। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, टीम इंडिया के मुख्य विकेट कीपर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल होने की वजह से इस वक्त टीम से बाहर है। उनकी जगह पर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए केएल भरत को चुना गया है। दूसरे विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल को टीम में जगह दी गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए केएल राहुल चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलने को लेकर भी संयम पैदा हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें, केएल राहुल के टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बाहर होने की सूरत में उनकी जगह पर किसे जगह मिलेगी, इसका जवाब इंडियन प्रीमियर लीग में मिलता नजर आ रहा है। गुजरात टाइटंस के विकेट कीपर रिद्धिमान शाह ने लखनऊ के खिलाफ ऐसी पारी खेल डाली जिसने उनकी दावेदारी मजबूत कर दिया है। तीनों फॉर्मेट में टीम से बाहर होने और बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद भी रिद्धिमान शाह ने हार नहीं मानी। आईपीएल की शुरुआती मुकाबले में 47 और नवाद 41 रन की पारी खेलने के बाद एकदम से धमाका कर दिया। लखनऊ के खिलाफ इस बैटर ने 188 की स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों की खूब पिटाई की। रिद्धिमान शाह ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मात्र 43 गेंद का सामना करते हुए 10 चौके और 4 छक्के जमाते हुए बना डाले 81 रन। आवेश खान के गेंद पर आउट होकर वापस लौटे इस बैटर ने पहले विकेट के लिए शुभमन गिल के साथ 142 रन की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी की। दोस्तों आप भी रिद्धिमान शाह को एक खतरनाक बैट्समैन समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।